ज्योतिष में कुंडली में अनेक योग पाए जाते हैं इनमें से एक है राशि परिवर्तन योग जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में चले जाते हैं उसे राशि परिवर्तन योग कहते हैं ये परिवर्तन ग्रहों नक्षत्रों तथा तो राशियों में से किसी का भी हो सकता है यदि ग्रह शुभ है या केंद्र तथा तो त्रिकोण में है तो ये राजयोग का निर्माण करता है इसके विपरीत यदि ग्रह नीच का हो या अस्त हो तो परिणाम अच्छे नहीं होते यदि ये, ये परिवर्तन योग शुभ होता तो दोनों ग्रहों का बल महादशा व अंतरदशा आने पर बढ़ जाता तथा ये बहुत फलदायक होता जिस प्रकार कुंडली में उच्च के ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं उसी प्रकार ये परिवर्तन योग भी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं इसी प्रकार का परिवर्तन योग नक्षत्रों में भी निर्मित होता है तो चलिए जानते हैं कि इन राशियों के भागी के बारे में मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना शुभ नहीं है दरअसल गुरु दशम है और वक्री काल में वो अनुकूल बना रहेगा वक्री होकर धनु में आने से वो नवम हो जाएगा अतः ये भी फायदा होने वाला हो सकता है वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है नौकरी में नए पद मिल सकते हैं इस समय अध्यात्म से दूरी बन सकती है मानसिक तनाव होने की संभावना रहेगी हर गुरुवार को विष्णु जी को पुष्पहार चढ़ाने से कुछ परेशानियां दूर हो सकती हैं वहीं गुरु के वक्री होने से वृषभ राशि का प्रभाव कम हो सकता है गुरु के धनु में जाने से यह दृष्टि खत्म हो सकती है वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री रहना मिला जुना परिणाम लेकर आएगा इस समय लापरवाही करने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है कारोबार में सावधानी रखें और वाहन प्रयोग में भी सावधानी रखें विष्णु जी के मंदिर में सवा किलो घी चढ़ाने पर समस्याएं दूर होंगी आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आठवा गुरु बकरी होने से मिथुन राशि को राहत मिलेगी जातकों को गुरु के बकरी होने से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है न्यायालन और विवादित मामले में जीत मिलेगी आय बढ़ने की संभावना है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती है इससे सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है आर्थिक समस्याओं से आप जूझ सकते हैं विष्णु जी की पूजा करने से आपकी समस्या दूर होगी कर्क राशि के लिए गुरु का वक्री होना शुभ रहेगा गुरु पूर्ण सप्तम दृष्टि वक्री होने से विश्वास की कमी हो सकती है इस समय में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आय का स्रोत बना रहेगा परिवार से सहयोग मिलता रहेगा ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं कार्यस्थल पर भी विवाद संभव है विष्णु जी के सामने घी का दीपक रोज जलाने पर आपको लाभ मिलेगा के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना शुभ नहीं षष्ठम गुरु के वक्री होने से राशि पर कुछ नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा कार्य को ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है यात्रा का बन रहा है भवन आदि प्रयोग में सावधानी रखना होगा काम में तेजी के साथ जो संभव हो पाएगा परिवार और साझेदार सहयोग प्रदान करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें इस समय किसी पर भी निर्भर रहना ठीक नहीं ये समय धैर्य रखने का है कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना मिला जुला परिणाम लेकर आएगा गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि राशि पर थी गुरु के वक्री होने से उसका प्रभाव कुछ कम हो सकता है व्यापारियों को उच्च पद पर कार्यरत लोगों को कुछ परेशानी बढ़ सकती है विष्णु जी को शहद चढ़ाएं कार्यों को पूरा करने के लिए बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता है तुला राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना कुछ खास नहीं इस राशि से गुरु चतुर्थ भाव में है जो मुश्किल खड़ी कर रहा था लेकिन गुरु के वक्री होने से इस राशि को फायदा होने की पूरी संभावना बन रही है इस समय में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है लाभदायक योग बनेंगे और नुकसान की भरपाई करने में सफल होंगे गुरुवार को चने का दान करें और विष्णु जी को हल्दी चढ़ाएं वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु के वक्री होने से मिला जुला परिणाम मिलेगा तृतीय गुरु पूर्व से ही अनुकूल था और बकरी होने के बाद वो नुकसानदायक नहीं होगा नए कार्यों की प्राप्ति होगी कार्य को स्वयं करें किसी और पर निर्भर रहने से नुकसान हो सकता है प्रेम जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है नई जगहों पर जाने को मिलेगा और रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है केले की जड़ में विष्णु जी की पूजा करने पर आपकी समस्या दूर होगी धनुराशि के जातकों के लिए गुरु का बकरी होना सामान्य परिणाम देगा द्वितीय गुरु पूर्व से और बेहतर फल देने वाला होगा कुंवरों के विवाह प्रस्ताव की प्राप्ति होगी और अटके धन की प्राप्ति होगी धन लाभ होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा नए कारोबार में भी रुचि हो सकती है साझेदारों और मित्रों से सहयोग मिलेगा इस समय में आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं बस जरूरत है इस समय कड़ी मेहनत करने की टूटी दोस्ती फिर से स्थापित होगी विष्णु जी को केला चढ़ाने पर मनोकामनाएं पूरी होंगी मकर राशि के लिए गुरु की बकरी होना शुभ नहीं रहेगा गुरु के बकरी होने से किसी प्रकार के नुकसानदायक नहीं है धर्म कार्यों में व्यय होने की संभावना रहेगी इस समय आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है सेहत पर ध्यान देना होगा नए मकान की खरीदारी करने का मन बन सकता है विष्णु जी को हल्दी मिश्रित जल अर्पण करें कुंभ राशि के लिए गुरु का बकरी होना शुभ रहेगा द्वादश गुरु को नुकसानदायक नुकसान कर प्रयास करेगा जीवन साथी से तालमेल बनाकर चलने से पारिवारिक जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे छात्र छात्राओं के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं बस जरूरत है मेहनत करने की सब्सक्राइबेट्स